जब ये नेचुरल दुनिया की बात आती है, एक कंट्री में फंगाई ऑटोमेटिकली खिल जाती है। वो मनुष्यों को बियर जैसे टेस्टी ड्रिंक्स पीने में मदद करते हैं। वे डेड पौधों और जानवरों से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं और वे पेड़ों के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। बेशक यह ऐसे भी फंगस है जो फूड क्रॉप्स को नष्ट करते हैं और किसी भी इंसान को मार भी सकते हैं जो गलती से उनका सेवन करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल द इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द ब्रेन मशरूम गायरोमिट्रा एस्कुलेंटा। गायरोमिट्रा एस्कुलेंटा फंगी एक फॉल्स मोरेल है जो यूरोप और साउथ अमेरिका दोनों जगहों में पाई जाती है। ट्रू मोरेल्स के ऑपोजिट फंगस की इस प्रजाति, जिसे आमतौर पर ब्रेन मशरूम कहा जाता है, वो जहरीला पाया गया है और इसे नहीं खाया जाना चाहिए। गायरोमिट्रा एस्कुलेंटा रूडी रेड ब्राउन कैप की तरह दिखता है जो ह्यूमन ब्रेन जैसा है। अमानिता मस्केरिया। अमानिता मस्केरिया मशरूम वैसा ही लगता है जैसे इसे एलिस इन द वंडरलैंड फिल्म में दिखाया गया है। यह मशरूम प्रजाति एक टॉडस्टूल पौधा है, जिसका अर्थ है कि इसे आमतौर पर जहरीला प्रजाति माना जाता है। शुक्र है कि अमानिता मस्केरिया के सेवन से होने वाले मौतें बहुत ही रेयर है। मोर्केला एस्कुलेंटा। मोर्केला एस्कुलेंटा, जिसे आमतौर पर एक मॉरल के रूप में पाया जाता है, अपनी अनअपीलिंग अपीयरेंस के बावजूद दुनिया का सबसे डिजायर्ड मशरूम में से एक है। मॉरल्स की विशेषता एक फ्रूट बॉडी से होती है जो एक बड़े येलोइश स्पॉन्ज में फैलता है, जिसमें गहरे गद्दे होते हैं। लोगों को इन स्वादिष्ट मशरूमों को पाने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है और हर जगह नहीं पाया जाता। हाइडनेलम पैकी। हाइडनेलम पैकी निसंदेह एक विचित्र मशरूम स्पीशीज है। इसकी प्रेजेंस भी काफी भयानक है। ये इन एडिबल फंगस दुनिया के विभिन्न भागों में पाया जाता है और इसे नहीं खाना चाहिए। इस फंगस के शरीर में एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज वाले पिगमेंट ब्लीड होते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड और अजीब लगता है दिखने में भी। इंडिगो मिल्क कैप लैक्टेरियस इंडिगो। लैक्टेरियस इंडिगो मशरूम को इंडिगो मिल्क नाम दिया गया है, क्योंकि ये चाकू से खाने जाने पर इसमें से नीले मिल्क केमिकल्स निकलते हैं। ये विचित्र मशरूम साउथ और सेंट्रल अमेरिका में बढ़ता है और आमतौर पर ये सिल्वर ब्लू रंग में पाया जाता है। लैक्टेरियस इंडिगो मशरूम दुनिया में सबसे सुंदर और विचित्र मशरूम स्पीसीज में से एक है। कॉप्रिनस कोमेटिस। शैगी मानिसे नाम से जाने वाला कॉप्रिकस कोमेटिस एक एडिबल मशरूम है जो काफी नॉर्मल है। दूसरे मशरूम स्पीसीज के मुकाबले ये विचित्र मशरूम तोड़ने के कुछ घंटों के भीतर ही अपने ऊपर पाए जाने वाले पोर्स को बंद कर देता है। इसीलिए इस मशरूम को लेने के कुछ समय बाद ही कंज्यूम करना चाहिए, इससे पहले कि ये डार्क ब्लैक हो जाए। माइसेना क्लोरोफॉस। ये ग्लो इन द डार्क मशरूम ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान, पॉलिनेशिया, श्रीलंका सहित सब ट्रॉपिकल एशिया में भी पाया जाता है। ये बायोन्यूमिलेसेंट है जो अंधेरे में एक चमकदार हरी रोशनी देती है। ये काफी चमकीला होता है जब आसपास का तापमान लगभग 81 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वियर्ड दिखने वाले और अजीब फंगस जो दुनिया में हर एक कोने में शायद नहीं पाए जाते। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।